A very good afternoon to all the participants of this webinar. On behalf of DDRTI Lucknow, we are presenting to you this webinar where we are doing a revision of the journal entries and how entries are made in the ledger. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं अकाउंटेंसी के बारे में जो जब तक क्लियर नहीं होती हैं तब तक आगे अकाउंट्स का जो मामला है वो ठीक नहीं रहता। तो मैंने आपके समक्ष ये रूल्स रखे हुए हैं जर्नल एंट्री को करने के लिए। जो रूल है उसमें ये छः रूल्स ध्यान में रखे जा सकते हैं। आप चाहें तो इन रूल्स की या तो फ़ोटो खींच लीजिएगा या फिर इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फिर से, जो लोग अभी तक नहीं जान पाए होंगे। आपको icai.org इस वेबसाइट पे जाना है, ICAI टाइप करेंगे आप तो उसके बाद ये आ जाएगा, icai.org नाम से वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको इसके स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। जैसे आप स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा BOS नॉलेज पोर्टल। जैसे स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे तो BOS नॉलेज पोर्टल दिखाई देगा, उसको क्लिक कर दीजिए। नॉलेज पोर्टल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स है और इंटरमीडिएट कोर्स है। ये दो कोर्स आपके मतलब के हैं। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल ऊपर आता है। ये स्टडी मटेरियल को आप क्लिक करेंगे और स्टडी मटेरियल को क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे मटेरियल है आपके सामने जो हमने अभी कवर किया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। तो ये मूलभूत चीज़ों को कवर करने के बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस पे आए हैं जिसमें जो आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है और हम ये कर रहे हैं। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जर्नल एंट्रीज, ये डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है जो मैं आपके सामने अभी प्रदर्शित मैंने कर रखा है। इसी डॉक्यूमेंट को मैंने प्रदर्शित किया है तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड करने का अवसर मिलेगा और इसके बाद हम लोग लेजर की स्टडी करेंगे। लेजर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो जो छः हमारे जो पांच रूल्स हैं वो ये हैं कि जब एसेट बढ़ते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है और जब एसेट घटते हैं तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है। जब मैं कहता हूं कि कोई अकाउंट डेबिट होता है इसका मतलब ये है कि उसके डेबिट साइड में एंट्री जाएगी। नॉर्मली हम लोग डेबिट जो है बाएं तरफ लिखते हैं और क्रेडिट्स जो है दाएं तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है हमको कि जब हम जानते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई मनी वाला ट्रांजैक्शन हुआ जिसका कोई मनी के टर्म्स में वैल्यू है या कोई इवेंट हुआ, जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ जिसकी मनी के टर्म्स और चूंकि हम जानते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन या इवेंट होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जब भी कोई जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तो हमको ये सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से खाते पे असर आना चाहिए। जैसे मैं कभी एक ट्रांजैक्शन ये लूँ कि मैं मान लीजिए कि एक माल परचेज करता हूँ 1000 रुपये में, मैं एक ट्रेडर हूँ और 1000 रुपये में मैं माल परचेज करता हूं जिसका 1000 रुपये का मैं पेमेंट कैश में कर रहा हूं, तो अगर मैं इस बारे में सोचूं कि इससे कौन कौन से खाते पे असर आएगा, कौन से अकाउंट पे असर आएगा, तो एक तो मैं समझ सकता हूं कि चूंकि मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज खाते में असर आना चाहिए। दूसरा, चूंकि मैंने पेमेंट किया है कैश में तो मेरे कैश अकाउंट में असर आना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरफा असर ऐसा आएगा
कि परचेज अकाउंट में असर आएगा और कैश अकाउंट में असर आएगा। साधारणतः आपको दो तरफे असर के बारे में सोचना है, क्योंकि ये सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, तो दो एंट्री आनी चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए। तो आपको ये सोचना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी दो एंट्री क्या होंगी, यानी कि एक एंट्री एक खाते में होगी, एक एंट्री किसी दूसरे खाते में होगी, एक एंट्री होगी डेबिट और एक होगी एंट्री क्रेडिट। तो जब आप ये सोच लेंगे कि कौन सा खाते पे असर आ रहा है, उसके बाद अगली सोच आपकी ये होनी चाहिए कि उस खाते में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ये सोच विचार करने के लिए आपके पास ये पांच रूल हैं। एसेट में बढ़ोतरी हो रही है तो डेबिट होगा एसेट का, यानी उसकी एंट्री एसेट में डेबिट साइड में आएगी एसेट अकाउंट में। उदाहरण के तौर पे अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो मेरा जो फर्नीचर अकाउंट है उसके लिए पेमेंट करता हूँ मैं, मान लीजिए 10,000 रुपये, और वो पेमेंट मैं बैंक से करता हूँ। तीन सूरतें हो सकती हैं, जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं तीन सूरतों से उसका निपटारा कर सकता हूँ। या तो मैं उसका कैश में पेमेंट कर दूँ, या मैं उसको बैंक से कर दूँ पेमेंट, और या फिर मैं क्रेडिट पे खरीद लूँ और पेमेंट मैं बाद में करूँगा। तो जहाँ पर भी अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं जानता हूँ कि इसका असर फर्नीचर खाते में आएगा, और मैं जानता हूँ कि मैंने चूंकि फर्नीचर खरीदा है तो मेरे एसेट बढ़े हैं। फर्नीचर बीइंग एन एसेट अकाउंट, एसेट मेरे बढ़े हैं और इसलिए ये एंट्री मेरे डेबिट साइड में जाएगी एसेट खाते में। डेबिट साइड जो एसेट खाते की बाएं तरफ है तो वहां पे मैं एंट्री कर दूंगा कि मैंने फर्नीचर अकाउंट में मैं एंट्री करूंगा कि मैंने जो है ये फर्नीचर खरीदा है। किस तरह से एंट्री होगी अभी हम देखते हैं। तो और अगर फर्नीचर घटता है तो मैं एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करूंगा, अगर मेरा फर्नीचर या एसेट घट रहा है। इसी तरह से अगर कोई मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं उस लायबिलिटी के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, अगर मेरी लायबिलिटी घटती है तो मैं उस लायबिलिटी के अकाउंट को डेबिट करूंगा। अगर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, अगर कैपिटल घटता है तो कैपिटल के अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। खर्चों के अकाउंट को, जब खर्चे बढ़ते हैं तो खर्चे का अकाउंट डेबिट होता है, और जब खर्चे घटते हैं तो खर्चे का अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसे ही अगर रेवेन्यू बढ़ता है या इनकम अगर बढ़ती है तो उस रेवेन्यू या इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर इनकम या रेवेन्यू घटता है तो उसका अकाउंट जो है डेबिट होता है। तो ये हमारे पास पांच रूल हो गए तय करने के लिए कि कौन से खाते में वो डेबिट साइड में जाएगा एंट्री या क्रेडिट साइड में जाएगा। अब हमारे पास एक और तरीका है इस बारे में सोचने का कि देखिए, बैलेंस शीट में एसेट आते हैं राइट साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी आती है लेफ्ट साइड में, और कैपिटल भी लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट को अगर आप सामने अपने आंखों के सामने इमेजिन करें तो आप ये सोचिए कि राइट साइड में जो भी चीजें हैं बैलेंस शीट में, उसमें जितने भी खाते राइट साइड में हैं वो एसेट के खाते हैं, और अगर वो बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और इसके ठीक विपरीत लायबिलिटी पे असर आता है। और कैपिटल का असर वही है जो कि लायबिलिटी वाला असर है, क्योंकि वो दोनों ही बाएं तरफ है, कैपिटल लायबिलिटी दोनों बाएं तरफ है, इसलिए वही असर है। क्योंकि अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होते हैं, अगर वो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, दोनों पे असर एक ही है। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड में, राइट साइड में जो चीज़ें हैं वो इनकम से रिलेटेड होती हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड होती हैं, वो जब बढ़ेंगे तो वो खाते क्रेडिट होंगे, और बाएं साइड में जो खाते हैं वो जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। यही असर ट्रेडिंग अकाउंट पर भी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला असर है। तो इस तरह से
कौन सी चीज़ कब बढ़ेगी या घटेगी, ये आप टेबल्स को विजुलाइज करके भी पता लगा सकते हैं। और ये जो रूल्स हैं पांच, इनको भी मद्देनजर रख के आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ हमारे जो एग्जाम्पल्स कि ये कैसे एंट्री की जा रही है। उसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये वो खाते हैं, ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं, ये सब खाते सब आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह में मिल जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएंगे। ये याद एक दिलाना भी जरूरी है, ये जो LF वर्ड है यहाँ पे जर्नल में, वो लेजर फोलियो के लिए है। ये एंट्री जो हो रही है ये कहीं ना कहीं लेजर में बाद में जाएगी, तो चूंकि वो एंट्री लेजर में जाएगी इसलिए हम लेजर का पेज नंबर यहाँ लिखते हैं, ये कहाँ एंट्री जा रही है। तो जर्नल में जो एंट्री की जाती है वो ये की जाती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये एक्चुअल जो एंट्री है जाके फिर लेजर में की जाती है। जैसे जर्नल में हमने एंट्री की कि मोहन से पैसा मिला जो उससे ड्यू था, तो जब मोहन से पैसा मिला जो उससे ड्यू था तो पैसा लेके बैंक में डाल दिया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसीलिए। राइट, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एसेट साइड में आता है और वो जो खाता है उसमें पैसा बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और मोहन का जो अकाउंट है वो लायबिलिटी थी, मोहन ने पेमेंट कर दिया, सॉरी वो एसेट था तो मोहन ने पेमेंट कर दिया, तो मोहन का जो पेमेंट है अब वो कम हो गया, मोहन का चूंकि पेमेंट कम हो गया तो वो एसेट अकाउंट होने की वजह से वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से बैंक अकाउंट के डेबिट टू मोहन क्रेडिट। अब कुछ एग्जांपल्स जो हमने पहले नहीं किए थे वो ले लेते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है दिसंबर 1, 2016 को अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ 4 लाख रुपए। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ 4 लाख रुपए का मतलब यह है कि अजीत ने 4 लाख रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिए, ये उसका कैपिटल है। तो 2 दिसंबर 1, 2016 को ऐसा हुआ। तो इसकी जनरल एंट्री इस तरह से हो रही है कि डेट है आपकी दिसंबर 1, बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है कंपनी के, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो बाएं तरफ है, और कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट या आ गया क्रेडिट। और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि बिजनेस शुरू हुआ, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बीइंग शब्द नॉर्मली यूज किया जाता है। उसके बाद अगला जो एग्जांपल है जिसमें कि कैश बैंक से विड्रॉ किया गया, कैश बैंक से विड्रॉ गया, यहाँ पे जो नेचर ऑफ अकाउंट है ये ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें कि पर्सनल अकाउंट है वो बैंक अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया रहा है वहां पे जैसा हमने पहले देखा था। अब आते हैं अगले एंट्री पे, द कैश बैंक से विड्रॉ किया गया, यानी कि कैश खत्म कम हो गया बैंक अकाउंट में और कैश अकाउंट में आ गया, तो कैश अकाउंट बढ़ गया और हम लिखेंगे कि क्योंकि कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है वो बढ़ गया तो वो डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट जो है घट गया तो वो क्रेडिट होगा, ये दोनों ही एसेट अकाउंट है।
उसके बाद दिसंबर 5 को क्या हुआ? कैश में गुड्स खरीदे गए। कैश में जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज अकाउंट जो है परचेज बढ़ा, तो जब परचेज बढ़ा तो वो डेबिट हो गया। और क्योंकि परचेज बाई तरफ है, आप देखेंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड में है, तो जब भी परचेज बीइंग एन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट होता है और बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया क्योंकि बैंक से पेमेंट कर दिया गया, तो वो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक से निकलता है पैसा तो वो क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट। उसके बाद दिसंबर 8 को क्या हुआ? सेल हुई, 16,000 रुपये का माल बेचा गया, तो जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या आएगा? पैसा आएगा। तो चूंकि पैसा बैंक अकाउंट में आया तो 16,000 रुपये यहाँ डेबिट हो गया और सेल अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया क्योंकि सेल हुई थी। उसके बाद परचेज किया गया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट बिग इन एसेट अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया तो क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग सेल ऑफ गुड्स, यहां पे क्या हुआ हो रहा है कि अरविंद का अकाउंट डेबिट हो रहा है। अरविंद का अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि, और इसमें कोई मेरा निहित स्वार्थ नहीं है कि यहां नाम अरविंद लिखा हुआ है, ये ICAI की गलती है अगर इसमें कोई किसी की गलती है तो। अरविंद का अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है कि पेमेंट उसने नहीं किया। अगर पेमेंट कर दिया होता तो हम अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते, या कैश में किया होता तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लेते। क्योंकि यहां पे अरविंद ने पेमेंट नहीं किया तो अरविंद का अकाउंट को हमने, वो लायबिलिटी साइड का अकाउंट है, अरविंद की लायबिलिटी खड़ी करनी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो अरविंद का अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर दिया और सेल को हमने क्रेडिट कर लिया क्योंकि सेल हुआ था। उसके बाद दिसंबर 14 को क्या हुआ? अमृत से गुड्स परचेज किए गए, अमृत से चूंकि गुड्स परचेज किए गए और अमृत ने पेमेंट नहीं किया, ये क्रेडिट परचेज है, इसको क्रेडिट परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब है जब पेमेंट ना किया जाए, या क्रेडिट सेल का मतलब है जहां पे पेमेंट ना किया जाए। जब पेमेंट नहीं किया जाता तो क्रेडिट नाम से करते हैं और जब पेमेंट कर दिया जाता है तुरंत उसको कैश सेल या कैश परचेज कहते हैं। तो दिसंबर 14 को परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये क्योंकि परचेज की गई है अमृत से और अमृत के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे ही कुछ गुड्स जो थे वो अमृत को वापस कर दिए गए। तो जब हमने पहले परचेज किया था तो हमने डेबिट किया था परचेज अकाउंट, लेकिन जब हम गुड्स को वापस कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपये से और अमृत का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने पहले अमृत का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट था, लायबिलिटी अब कम हो जाएगी 500 रुपये से, तो इसलिए अमृत का अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए एंट्री, जर्नल एंट्री, कैश प्राप्त हुआ अरविंद से, अरविंद ने पहले पेमेंट नहीं किया था जो अरविंद को सेल किया गया था, अब लेकिन कैश प्राप्त हो गया अरविंद से इन फुल सेटलमेंट एंड अलाउड हिम 100 रुपीज डिस्काउंट। 2,400 रुपये की कुल मिला के सेल हुई। ऊपर देखते हैं हम हमारी सेल कितनी थी अरविंद, अरविंद को हमने यहां पर देखिए कि 2,400 रुपये की सेल की थी, ठीक है। अरविंद ने पेमेंट नहीं किया था, अरविंद ने क्रेडिट में माल खरीदा था हमसे। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि पेमेंट आ गया अरविंद से, जब पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट में आएगा और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया 2,300 से क्योंकि 2,300 रुपये आए थे अरविंद से और 100 रुपये हमने उसके माफ कर दिए थे, तो
100 रुपये का डेबिट डिस्काउंट अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका असर अकाउंट्स में आता है, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट दिया तो इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, डिस्काउंट अकाउंट में जाएगी, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में बाएं तरफ का अकाउंट है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है या लॉस अकाउंट है, जो भी कह सकते हैं। ये अकाउंट जब बढ़ते हैं तो फिर वो डेबिट हो गया, और अरविंद का अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, जो कि पहले हमने डेबिट किया था जब माल उसको बेचा था, अब उससे पेमेंट आ गया है, तो इसलिए उसकी लायबिलिटी कम हो गई है। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो जो लायबिलिटी वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो अकाउंट डेबिट होता है। उसके बाद कुछ बिजनेस से विड्रॉ ड्रॉइंग की गई पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए जो भी उसने 1,000 रुपये का 1,000 रुपये निकाले, गुड्स ले लिया उसने, उसने कैश नहीं निकाला, लेकिन जो भी माल परचेज किया था वो पर्सनल यूज में ले लिया। तो माल जो परचेज किया था, जब हमने परचेज किया था तो हमने परचेज अकाउंट में उसको डाला था, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था। अब परचेज में से हम हटा रहे हैं माल को, तो इसलिए परचेज अकाउंट अब हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि परचेज में कमी आ जाएगी, और परचेज अकाउंट चूंकि एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कमी आती है तो क्रेडिट होता है। तो हमने परचेज अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और अपने ड्राइंग अकाउंट को 1,000 से डेबिट कर दिया, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट वो है जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करते हैं, चाहे वो कैश में करें चाहे काइंड में करें। और उसके बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैश विड्रॉ किया गया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका जो ड्राइंग अकाउंट है उसको आपने डेबिट कर लिया, और कैश अकाउंट जो है, क्योंकि कैश विड्रॉल हुआ है फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में जो रखा हुआ था कैश वो निकाल लिया गया। अगर बिजनेस कैश आता है तो हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, अगर निकल जाता है कैश तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और इसको ये क्यों कैश निकला, क्योंकि ये ड्राइंग में चला गया, यानी पर्सनल यूज में ले लिया, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर लिया। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट हो गया, और बैंक अकाउंट से इसका पेमेंट किया था तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, कि वहां से पैसा निकल गया। ऐसे ही दिसंबर 26 को कैश अमृत को पे किया गया, जब कैश पे किया जाएगा उसको तो अमृत का अकाउंट जो है अब हम डेबिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट में पेमेंट किया गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक से निकला है पेमेंट, बैंक से निकले निकल के अमृत को गया। लेकिन देना था हमको 9,500, लेकिन हमने दिया केवल 9,450, 50 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट में ये एंट्री आ गई 50 रुपये की। अब आते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुए हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंडिचर खाता है तो 200 रुपये का खर्चा हुआ, ऐसे रेंट का खर्चा हुआ 5,000 रुपये, सैलरी पे खर्चा हुआ 2,000 रुपये, ये सब डेबिट हुए, और ये बैंक से दिया गया तो बैंक अकाउंट में पैसा कम हो गया 7,200 रुपये, इसलिए बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया। ऐसे ही एडवर्टिजमेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट, जो कि 2,000 का एडवर्टिजमेंट एक्सपेंस हुआ, और उसके बाद परचेज से ये जो हमने परचेज किया था वो कम हो गया और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में चला गया। फ्री सैंपल खरीदे थे तो वो परचेज अकाउंट में डेबिट हुए थे, अब हमने वहां से परचेज अकाउंट से हटाए, उसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला, क्रेडिट हो गया।
अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये अकाउंट्स कौन से हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। इसकी लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से अकाउंट किस तरह के अकाउंट हैं। एसेट अकाउंट, ये 5 टाइप से जो अकाउंट्स होते हैं वो हैं, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के जो अकाउंट होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। यहां देख सकते हैं आप, रमेश ने बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश, रमेश के द्वारा निवेश की गई राशि इन द बिजनेस, बिजनेस में एज कैपिटल। तो कैपिटल वाली राशि है, कैपिटल में बढ़ोतरी हो गई, कैपिटल आपके बाएं तरफ आता है बैलेंस शीट के, अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 10 लाख से। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश दिया गया, गुड्स परचेज कर लिए गए, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक जहां से पेमेंट किया, कई बार हम चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक से कर देते हैं, तो लिखते हैं हम कैश ही हैं, तो इसलिए यहां बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। आजकल बहुत बड़ी राशि जो है वैसे भी कैश में नहीं दी जाती है, तो इसलिए ज्यादातर बैंक से ही होता है, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं इस सिलसिले में। अब कैश अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश को विड्रॉ किया गया, यहां आप देख रहे हैं लेजर फोलियो नंबर लिखा हुआ। ये जो कैश अकाउंट है ये लेजर फोलियो के पेज नंबर 5 पे है, और जो बैंक अकाउंट है ये लेजर फोलियो के पेज नंबर 1 पे है। ये जो बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट एंट्री जा रही है ये पेज नंबर 1 पे जाएगी, यानी बैंक अकाउंट कहीं भी लगा होगा तो पेज नंबर 1 पे जाएगी एंट्री, और कैश अकाउंट में जो एंट्री जा रही है वो कैश अकाउंट में डेबिट हो रहा है 5,000 का, और बैंक से निकाल के तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज बैंक से पैसा निकला। डेबिट व्हाट गोज इन, क्रेडिट व्हाट कम्स आउट, तो बैंक से निकला इसलिए बैंक क्रेडिट। और दूसरा सोच ये भी है कि बैंक बैंक एक एसेट अकाउंट है, तो वो अगर कम हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। कैश अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट है। अब कृष्णा को माल बेचा गया, कृष्णा ने पेमेंट नहीं किया तो कृष्णा को डेबिट हो गया और सेल अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, और ये एंट्रीज रिस्पेक्टिवली पेज नंबर 9 और पेज नंबर 11 पे जाएंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट, कैश कृष्णा से मिला है और उसको डिस्काउंट दिया गया है 5,000 रुपये का, 1.5 लाख मिलना था तो 1.5 लाख के लिए कृष्णा को क्रेडिट कर दिया गया, बैंक में पैसा आ गया 1 लाख पैसा, 5,000 जो आना था अब नहीं आया क्योंकि वो एक्सपेंडिचर हो गया एक तरह से, तो ये डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा, इसका डेबिट डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा। और ये तीनों अकाउंट के लेजर फोलियो नंबर हैं 1, 12 और 9। इसके बाद कैश शाम को दिया गया और उसको डिस्काउंट भी दिया गया, तो जब हमने कैश दिया शाम को तो हमारे बैंक से पैसा निकला, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,15,000 रुपये, और डिस्काउंट अकाउंट हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में अकाउंट है, डिस्काउंट बढ़ा तो बढ़ता है अगर एक्सपेंडिचर तो क्रेडिट होता है एक्सपेंडिचर अकाउंट, और शाम का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। इसके बाद जो तो बैंक अकाउंट है हमारा, गुड सोल्ड फॉर कैश, जब कैश लेके गुड्स बेचे तो सेल अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि सेल अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में है, सेल बढ़ती है क्रेडिट होता है, और बैंक अकाउंट जो है उसमें से पैसा निकल गया, तो जब पैसा निकला तो एसेट अकाउंट हट गया और इसलिए वो डेबिट हो गया। और इस तरह से आगे आते हैं एडवांटेजेस क्या है जनरल।
तो एडवांटेज ये है कि जर्नल में जो एंट्रीज हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड की जाती हैं, और उसमें ये एडवांटेज होते हैं कि सबसे पहला एडवांटेज है क्योंकि ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, समय के अनुसार हो रहे हैं, टाइम इज ऑफ द एसेंस, तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में टाइम बेस पे, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। इसके बाद जो एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं जर्नल में आर सपोर्टेड बाय नोट, जो भी रिकॉर्डेड एंट्री होती है जर्नल में उसके उसको सपोर्ट करने के लिए नोट लिखा जाता है जिसमें नरेशन होता है, यानी कहानी बताई जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जैसे ना लेजर, फोलियो, इमेजिनरी, जो भी है, बीइंग द अमाउंट पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, ये जैसे है बीइंग द अमाउंट पेड फॉर रेंट एंड सैलरी क्या है, ये नोट है, नरेशन है, इसको नरेशन भी बोलते हैं, जो कि एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन की हो क्या रहा है ट्रांजेक्शन में, और इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस एंट्री की, और इन नरेशन से उस एंट्री का करेक्टनेस भी पता चल जाता है। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर ऑन लेजर्स एंड वी मूव ऑन टू चैप्टर ऑन जर्नल्स एंड वी मूव ऑन टू लेजर्स। लेजर पर आते हैं। अब इसमें हम आपको लेजर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है लेजर का, उसकी अवधारणा क्या है, लेजर में पोस्टिंग की टेक्निक क्या है, पोस्टिंग मतलब जब लेजर में कोई एंट्री पोस्ट की जाती है, और अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। अकाउंट खोलते हैं जो लेजर में, लेजर एक्चुअली एक अकाउंट्स का जो है वो कंपेंडियम है अकाउंट्स का, जैसे जो अकाउंट में हम कह रहे हैं कि एंट्री जाएगी तो वो सारे अकाउंट लेजर में है। अकाउंट को खोलने की टेक्निक सीखिए, हर साल कैसे हम क्लोजिंग बैलेंसेस पिछले साल के लेते हैं फिर नए साल के अकाउंट खोलते हैं जिसमें हम बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो लेजर के बारे में जानते हैं, जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जो हमारी रिकॉर्डेड एंट्रीज हैं उसको हम क्लासिफाई या ग्रुप कर लेते हैं प्रेपरेशन करके अकाउंट्स को, अकाउंट बनाने के लिए हम उनको जो एंट्रीज किए उसको क्लासिफाई और ग्रुप करते हैं। तो जिस बुक में ये सारे अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, जिस तरह से अलग अलग अकाउंट्स में ग्रुपिंग की गई है, तो उस ग्रुप का जो भी नाम है वो एक अकाउंट का नाम होता है। तो ये सारे अकाउंट जितने भी हैं, जिस तरह से ट्रांजेक्शन ग्रुप हो रहे हैं अकाउंट्स में, अकाउंट ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग हो रही है, जो जर्नल में ट्रांजेक्शन है उनकी ग्रुपिंग अकाउंट में हो रही है, ये जो प्रक्रिया है इसको लेजराइजेशन बोलते हैं। और ये जाना जाता है कि ये सबसे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये मुख्य बुक ऑफ अकाउंट है, इसमें आपको अकाउंट वाइज बैलेंस मिल जाएगा हर अकाउंट का, और अकाउंट वाइज बैलेंस कितना बैलेंस उसका बचा हुआ है उस अकाउंट में, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, ये सब आपको अंदाज़ा यहाँ से लगेगा लेजर से। अब इसके बाद एक नमूना दिखाया हुआ लेजर अकाउंट्स का, स्पेसिमेन यानी नमूना। एक लेजर अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट जो होता है बाएं तरफ का अकाउंट होता है, अकाउंट की बाई साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो है वो अकाउंट की दाएं साइड होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है डेबिट और यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्रेडिट। क्रेडिट दाएं साइड की दाएं साइड है किसी भी अकाउंटिंग की, और जो डेबिट है वो बाएं साइड है किसी भी अकाउंटिंग का। अब डेबिट साइड में भी चार कॉलम है और क्रेडिट साइड में भी चार कॉलम। आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार और एक दो तीन चार,
डेबिट साइड में भी चार कॉलम है, क्रेडिट साइड में भी चार कॉलम। और चार कॉलम कौन से हैं? पहला है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स यानी क्या किया गया है, तीसरा है कि कौन से जर्नल के पेज से यहाँ पे एंट्री आ रही है, क्योंकि तो वहां पे हमने लेजर फोलियो लिखा था LF, यहाँ मतलब कहाँ एंट्री जा रही थी, यहाँ पे एंट्री आ रही है, तो हम कहेंगे जर्नल के कौन से पेज से एंट्री आ रही है, जर्नल का फोलियो नंबर या पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और चौथी जो चौथा कॉलम है वो है राशि यानी अमाउंट, और इस तरह की एंट्री रोज वहां पे की जाती है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। ये CR इज नॉट करोड़, दिस इज क्रेडिट, दिस DR इज डेबिट। डेबिट को हम स्पेलिंग तो DEBIT है लेकिन लिखते ऐसे ही है DR, शायद CR के से मिला के इसको DR किया गया। अब आते हैं कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू द क्लासिफाइड अकाउंट्स इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। लेजर में वर्गीकृत अकाउंट्स हैं, ग्रुप्ड अकाउंट्स हैं, जिस रूप में ग्रुपिंग की जा रही है एंट्रीज की, उसमें ग्रुप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अकाउंट बनाए गए। और जो प्रक्रिया है ट्रांसफर करने की डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जर्नल से लेके लेजर पे, ये जो ट्रांसफर है डेबिट और क्रेडिट आइटम्स का, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। अब आते हैं 2.1 रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर। नंबर 1, सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट। हर अकाउंट के लिए अलग अकाउंट खोला जाता है लेजर बुक में, एंड एंट्रीज फ्रॉम लेजर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट अकॉर्डिंगली। और जो भी एंट्रीज हैं ये अलग अलग अकाउंट में पोस्ट की जाती है लेजर में। और प्रैक्टिस में ये कि हम ये शब्द यूज करते हैं टू एंड बाय। जो टू शब्द है वो यूज किया जाता है इन द पर्टिकुलर कॉलम विद द अकाउंट्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, टू यानी डेबिट साइड में, टू बाय बाय आएगा क्रेडिट साइड। जैसे जो भी एंट्री हम बाएं तरफ कर रहे हैं डेबिट साइड में उसके पहले लगा देंगे टू, और जो भी एंट्री हम दाएं तरफ कर रहे हैं उसके पहले लगा देंगे बाय। बाय इज यूज विद अकाउंट्स रिटन इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड। ये जो टू एंड बाय है इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, डू नॉट हैव एनी मीनिंग्स, लेकिन ये यूज किए जाते हैं फिर भी, जो भी अकाउंट डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं उनके लिए यूज किया। जो भी कंसर्न अकाउंट है जो जर्नल में डेबिट हुआ है, जो अकाउंट जर्नल में लिखा है कि अकाउंट डेबिटेड, तो वो उसकी एंट्री जो है लेजर में डेबिट साइड में आएगी। लेकिन एंट्री भले ही डेबिट साइड में आए लेकिन जो जो रेफरेंस है वो वहां पे क्रेडिट अकाउंट का आएगा। जैसे हम बैंक अकाउंट में डेबिट डाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट का नाम तो ऊपर लिखा है बैंक अकाउंट, और अगर हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में एंट्री आएगी। तो एंट्री मान लीजिए क्या है, एंट्री होगी रिस्पेक्टिव क्रेडिट एंट्री, यानी परचेज अगर हुआ है, अगर बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया था परचेज को तो हम लिखेंगे बाय परचेज, क्योंकि बाय पहले ऐड करना है हमको, बाय परचेज लिखेंगे और फिर राशि लिख देंगे। और ये एंट्री कहाँ जा रही है, बैंक अकाउंट में जा रही है, जो ऊपर लिखा होगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है, और एंट्री क्या है, बाय परचेज। अब आते हैं बैलेंसिंग इन अकाउंट। हर महीने या हर साल के अंत में या किसी भी एक दिन के अंत में ये जरूरी हो सकता है कि हमें बैलेंस पता लगाना है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कितना है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मान लीजिए कि एक पर्सन ने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, परचेज किया, और पेमेंट उसने केवल 850 रुपये का किया हुआ, यानी कि अभी 150 रुपया उसको अभी देना है,
और वो उसके अकाउंट में बैलेंस है। तो किसी भी अकाउंट में बैलेंस पता लगाने के लिए, टू एसरटेन द बैलेंस इन एनी अकाउंट, जो किया जाता है वो ये है कि आप दोनों साइड का टोटल ले लीजिए और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस पता लगा लीजिए माइनस करके। तो ये डिफरेंस जो है वो बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, यानी डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर बड़ा है डेबिट साइड के बैलेंस से, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और दूसरे केस में उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस को लिखा जाता है डेबिट साइड में, जो भी क्रेडिट बैलेंस आता है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है टू बैलेंस सी डी। सी डी मीन्स कैरिड डाउन, क्योंकि नीचे कैरी करके लाया गया है, तो इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन वो क्रेडिट बैलेंस है, लिखा जाता है डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना। और ये करने से दोनों साइड फिर बैलेंस हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मान लीजिए एक साइड का टोटल है, सपोजिंग मान लीजिए कि क्रेडिट क्रेडिट साइड का टोटल है 100 रुपये और डेबिट साइड का टोटल है 90 रुपये। तो क्रेडिट चूंकि बड़ा है डेबिट से, तो जो 10 रुपये माइनस होके आ रहा है ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, लेकिन ये 10 रुपये जुड़ेगा जाके डेबिट साइड में, क्योंकि जिससे दोनों साइड बराबर हो जाती हैं, और वहां पे एंट्री आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस सी डी, ये जो एंट्री है ये आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसके बाद राशि आ जाएगी 10 रुपये। यानी क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और इस प्रकार से लिखा जाता है कि टू बैलेंस सी डी, राइट। उसके बाद दोनों साइड बराबर हो जाती हैं, और जो टोटल्स हैं वो लिखे जाते हैं दोनों साइड में, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है एज बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये सॉरी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो फिर अगले पेज पे उसको ऐसे लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो एक अगले दिन अगले पेज का ओपनिंग बैलेंस है, तो वहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डेबिट बैलेंस इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा एज बैलेंस कैरिड डाउन, और उसके बाद जो टोटल्स हैं वो दोनों साइड में लिखे जाएंगे, और उसके बाद जो डेबिट बैलेंस है वो अगले पेज के शुरू में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। जहाँ पेज खुलेगा वहाँ पे वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और इस तरह से क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस जब जब पेज नया खुलता है तो उसमें क्रेडिट साइड में वो क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है, और वहाँ लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो नॉमिनल अकाउंट्स है वो बैलेंस नहीं होते हैं, जो बैलेंस है आखिर में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स को कभी बैलेंस नहीं किया जाता, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स का जो भी बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके एक साथ पूरा बैलेंस निकालेंगे। इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना जरूरत, ना ही करना है। केवल पर्सनल और रियल अकाउंट जो हैं वो ही बैलेंस दिखाएंगे। जो इलस्ट्रेशंस आगे दिए जा रहे हैं आप उसमें नोटिस करेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट है या जो परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, रेंट सैलरी अकाउंट, ये सब अकाउंट जो है ये चूंकि नॉमिनल अकाउंट्स हैं ये बैलेंस नहीं किए हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, द कैपिटल अकाउंट विल हैव टू बी एडजस्टेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसका बैलेंस जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस हम ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल बढ़ जाता है।
और कैपिटल बढ़ जाता है तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद इलस्ट्रेशन वन देख लेते हैं। स्टेशनरी अकाउंट बनाइए। स्टेशनरी अकाउंट कहाँ बनेगा? लेजर में बनेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015 और उसको ड्यूली बैलेंस करिए। जो डिटेल है वो दे रखें। तो सबसे पहले हमने स्टेशनरी अकाउंट खोल दिया। ऊपर पहली एंट्री आई यानी पहला ट्रांजैक्शन आया जनवरी 1 को, स्टेशनरी की इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री ऑफ द स्टेशनरी 480 रुपये। तो जनवरी 1 को जो हमने इन्वेंट्री ली स्टेशनरी की, तो 480 रुपये की इन्वेंट्री आ रही है। यानी ये जनवरी 1 से पहले ब्रॉड ब्रिंग उसको लाया जा रहा है, ब्रॉड डाउन है, बैलेंस ब्रॉड डाउन 480 हो गया। यानी वो स्टेशनरी है, ओपनिंग स्टेशनरी इसको कह सकते हैं। साल के शुरू में जनवरी 1 को स्टेशनरी इतनी की थी। उसके बाद चेक से स्टेशनरी खरीदी गई 800 रुपये की। जब चेक से स्टेशनरी खरीदी गई तो पहले इसका हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। और जर्नल एंट्री में क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट। तो इसलिए स्टेशनरी अकाउंट के हम डेबिट साइड में एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, और पहले लगाएंगे शब्द टू और फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद क्रेडिट पे 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से 1280 की स्टेशनरी खरीदी गई। ये क्रेडिट पे खरीदी गई यानी उसने पेमेंट नहीं किया, तो स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट आएगा, लेकिन क्रेडिट यहाँ पे 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट को किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वो अकाउंट जहाँ भी होगा वहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी, और वहाँ पे लिखा होगा बाय स्टेशनरी, इस तरह से लिखा होगा वहाँ बाय स्टेशनरी अकाउंट। और ये करने के बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और हमें आ रहा है टोटल आ रहा है 2560 का। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर अगले दिन ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अगले दिन के सुबह ये बाएं साइड में एंट्री आ जाएगी। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 2। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, पहले जर्नलाइज कर लीजिए एंट्री, और जैसे जर्नलाइज होती है उसके हिसाब से उसकी एंट्री फिर आप लेजर में कर दीजिए। अब सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस हैं। इलस्ट्रेशन में पूछा जा रहा है कि डेबिट में बताया जा रहा है कि डेबिट बैलेंसेस इस तरह से आपको दिख रहे हैं, अलग अलग खातों के डेबिट बैलेंसेस दिखा रखे हैं। और इसी तरह से जनवरी 1 को कुछ खातों में क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो भी दिखा रखे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ट्रांजेक्शन और हुए जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन लिखे हुए। तो बनाना क्या है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जैसे मैंने बनाने के लिए कहा था, तो जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कैश इन हैंड अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स हैं। क्योंकि लेजर इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। लेजर में सारे अकाउंट होते हैं और उसमें उनकी बैलेंसिंग होती है। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर हम कोई अकाउंट बनाने चलते हैं, तो मान लीजिए हम ये कैश अकाउंट पहले बना रहे हैं। कैश अकाउंट पहले बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कैश इन हैंड कितना था, 8,000 था, और ये एक डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो इसकी एंट्री डेबिट साइड से शुरू होगी। तो हमने लिख दिया 8,000 डेबिट साइड में कैश अकाउंट के, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद कैश के सिलसिले में हम ढूंढें ढूंढें किसी और एंट्री को, या तो हम ऐसे एंट्री ढूंढें या जो जो एंट्री आ रही है एक एक करके हम उसको जनरलाइज और लेजराइज करते जाएं। जैसे
ये 5,000 की एंट्री आ रही है, ये कैश अकाउंट है ना, तो 3,800 की एंट्री ये कैसे आ रही है? ये क्रेडिट एंट्री आ रही है, ये देखिए 5,000 है और उसमें 20% डिस्काउंट दिया गया है और 5% कैश डिस्काउंट दिया गया है, तो कुल मिला के 25% यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया गया। तो जो डिस्काउंट दिया गया उसको लगाने के बाद जो परचेज की राशि आ रही है वो 3,800 रुपये आ रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज 3,800 और उसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड फिर 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले हम बाद में 5% कैश डिस्काउंट उसको मिला। तो पहले आप इसको डिस्काउंट लगाने के बाद 5,000 में से आपके 3,800 की राशि आ जाएगी। तो पहले आप 20% डिस्काउंट लेंगे, फिर जो बाकी बचेगी आपके उधर उस पर आप 5% डिस्काउंट लेंगे तो 3,800 आ जाता है। उसके बाद रिसीव 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड इन 20 रुपीज एज डिस्काउंट। तो विजय से 1,980 रुपये मिला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और 1,980 क्यों मिला? क्योंकि ₹2,000 का सेल किया गया होगा, 1,980 रुपये मिल गया और 20 रुपये जो है डिस्काउंट हो गया, तो 1,980 रुपये हमने यहाँ दिखा दिए। और या तो हम 2,000 दिखा देते, तो यहाँ पे क्योंकि मिला 1,980 है तो इसलिए 1,980 यहाँ दिखा दिया। उसके बाद परचेज प्लान फ्रॉम मुकेश फॉर 5,000। जब हम कहते हैं परचेज प्लान, तो वो एंट्री जाएगी परचेज में, सॉरी प्लांट में। ये देखिए प्लांट अकाउंट है, प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री आ रही है टू मुकेश, क्योंकि प्लांट मुकेश से खरीदा और मुकेश के लिए एक एंट्री आ रही है यहाँ पे 300 रुपये की भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपये और एंट्री आगे आई होगी, वहां से एंट्री आ रही है। परचेज प्लान फ्रॉम मुकेश और 100 रुपये कार्टेज के दिए प्लांट को फैक्ट्री लाने के लिए और 200 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस के दिए। तो ये जो पेमेंट किया जा रहा है ये कैश में किया जा रहा है और ये पेमेंट प्लांट का पेमेंट है। तो चूंकि ये पेमेंट प्लांट के लिए किया जा रहा है तो ये 5,000 रुपये तो जाएंगे ही प्लांट के लिए, प्लस ये 100 प्लस 200 300, कुल मिला के प्लांट आपको 5,300 का पड़ा। तो प्लांट अकाउंट में आपके 5,000 जाएगा, फिर 100 जाएगा, फिर 200 जाएगा, क्योंकि तो इसमें प्लांट की बढ़ोतरी हो रही है, ये कॉस्ट है प्लांट की, जो भी खर्चा प्लांट के वजह से हो रहा है वहां पर। तो इसलिए 5,300 हो गया। उसके बाद ये 5,300 आपने देखा वहां प्लांट की एंट्री आई है। फिर सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600, रहीम को गुड्स बेचे गए क्रेडिट पे 600 रुपये। तो चूंकि यहाँ सेल आ रहा है और क्रेडिट पे है, तो रहीम के अकाउंट में एंट्री आएगी और सेल अकाउंट में एंट्री आएगी। तो आपको पहले इसकी एंट्री जर्नल में बना लेनी चाहिए, उसके बाद एंट्री लेजराइज करना चाहिए, तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। और अगर आप जर्नलाइज दिमाग में कर सकते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मान ली हमने कहा जनरल जनवरी 12 को गुड्स बेचे गए रहीम को क्रेडिट पे 600 रुपये। हम जानते हैं कि एक एंट्री आएगी सेल की, यहाँ पे सेल अकाउंट में 600 रुपये जाएगा, क्योंकि तो गुड्स सेल किए गए हैं, सेल बढ़त हुई है, तो सेल क्रेडिट साइड में जाएगा 600 रुपये। यहाँ देखते हैं सेल अकाउंट कहाँ पे है। यह है सेल अकाउंट, सेल
सेल अकाउंट में ये देखिए क्रेडिट साइड में 600 की एंट्री आ रही है जिसमें लिखा है बाय रहीम, यानी रहीम को सेल किया गया और ये 600 रुपये रहीम के अकाउंट में कहाँ जाएगा, उसके डेबिट हो जाएगा। तो हम ये बाय रहीम भी इस बात का इंडिकेटर है कि ये रहीम के अकाउंट में एंट्री आ रही है, तो रहीम के अकाउंट में 600 रुपये डेबिट होगा। ये देखिए नीचे 600 रुपये यहाँ पे डेबिट है टू सेल्स कर, टू तो लगाया जाता है जब भी हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं और जब क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं तो बाई लगाया जाता है। रहीम बिकेम इन, रहीम हो गया दिवालिया और वो केवल 50 पैसे दे पाया इन ए रुपी, यानी 50 कुड पे ओनली 50 पैसा इन ए रुपी का मतलब है केवल 50% का वो पेमेंट कर पाया। रहीम को हमने 600 रुपये का माल बेचा था लेकिन रहीम ने पेमेंट किया केवल 300 रुपये का। तो अगर हम इसको देखें तो रहीम का जो अकाउंट है उसको देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 रुपये अब हम तो हम हमें मिलेंगे नहीं, तो रहीम हमने माफ़ कर दिए 300 रुपये उसके। तो जो एंट्री जाएगी हमारी वो एक तो एंट्री ये होगी कि कैश अकाउंट रहीम अकाउंट क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट, यानी 300 रुपये कैश मिल गया, एक एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री यहाँ पे ये हो रही है कि रहीम का अकाउंट क्रेडिट 300 रुपये और वो क्यों क्रेडिट हो रहा है कि बैड डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है 300 रुपये से, ये बैड डेट अकाउंट 300 रुपये से यहाँ पे डेबिट हो गया। लेजर से, लेजर में एंट्री जनरल से आ रही है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000 रुपये, ये जनवरी 18 का है। जनवरी 18 को हमने सेल अकाउंट में एंट्री आएगी और कैश 1000 रुपये का मिल गया, तो 1000 की एंट्री यहाँ पे कैश अकाउंट में आ जाएगी क्योंकि हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो कैश आ गया और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 1000 के लिए। तो सेल अकाउंट में जाएंगे हम, तो वहाँ पे हमको ये सेल अकाउंट यहाँ पे 1000 का क्रेडिट यहाँ दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप अकाउंट बनाते जाएंगे और अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, उसके बाद जो फिर बैलेंस बचता हुआ बैलेंस कैरिड डाउन, अगले दिन सुबह फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उस तरह से, और जो एंट्री आएंगी तारीख के साथ और डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आती जाएंगी, और बाद में जो बैलेंस होगा वो ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो एक हमने इलस्ट्रेशन देखा लेजराइजेशन का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम अपने कल के सेशन में देखेंगे जब हम लेजर को और भी विस्तृत ढंग से करके वो कंप्लीट करेंगे। कल के सेशन में हम लेजराइजेशन कंप्लीट करेंगे और तब तक आप इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, और उसके साथ ही हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है और कल का सेशन